जब इंडिया की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया में ग्लोबलाइजेशन लाकर दुनिया भर की कंपनी को इंडिया में बिजनेस करने के लिए इन्वाइट किया और कुछ ही टाइम में इंडिया काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसके कुछ ही टाइम बाद इंडिया में दंगे शुरू हो गए थे ड्यू टू बाबरी मस्जिद इंसिडेंट, जहां सबसे ज्यादा दंगे बॉम्बे में हो रहे थे। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तेलगी और कौशल उस वक्त भी बाहर घूम रहे होते हैं अपने स्टैम्प पेपर के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, जहां तेलगी कौशल को समझाता है कि नासिक, जहां से इंडिया के सारे स्टैम्प पेपर प्रिंट होकर आते हैं, नासिक से वो फुल सिक्योरिटी में नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर आता है। स्टेशन मास्टर, गार्ड, पुलिस, टीटी और हेड टीटी की निगरानी में वो ट्रेन में लोड होता है और फिर वहां से वाड़ी बंदर स्टेशन पर आता है। वाड़ी बंदर स्टेशन से वो ओल्ड कस्टम हाउस में भेजे जाते हैं और फिर पूरी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तेलगी का प्लान ओल्ड कस्टम हाउस से पहले ही स्टैम्प पेपर को चुराना था। तेलगी यहां स्टैम्प पेपर को चुराना तो चाहता था, लेकिन उसके बदले वो नकली स्टैम्प भी रखना चाहता था ताकि वो ये काम बार बार कर पाए और किसी को भी उन पर शक ना हो या उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। वाड़ी बंदर स्टेशन पर कुछ टाइम नजर रखने के बाद वो एक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को अपने प्लान में शामिल कर लेता है, जहां स्टेशन मास्टर ड्राइवर और गार्ड को संभाल लेगा और उन्हें एक सील भी बनाकर देगा। उन्होंने एक आर्ट डायरेक्टर की हेल्प से स्टैम्प पेपर का प्रिंटिंग प्लेट भी बनवा दिया था और एक चाचा से डील करके रात में उनकी प्रिंटिंग मशीन से नकली स्टैम्प पेपर की प्रिंटिंग भी शुरू कर दी थी। तभी कौशल से कहता है कि हम डायरेक्ट ये नकली स्टैम्प पेपर ही क्यों नहीं बेचते, क्योंकि उससे उनका काम भी इजी हो जाएगा और उन्हें असली स्टैम्प पेपर चुराने की जहमत भी नहीं करनी पड़ेगी। तब तेलगी उसे समझाता है कि अगर उन्होंने ये नकली स्टैम्प पेपर बेचे तो वो तुरंत ही पकड़े जाएंगे और वहीं अगर वो ये नकली स्टैम्प पेपर को ट्रेन के असली स्टैम्प पेपर से एक्सचेंज कर देते हैं तो कुछ ही टाइम में वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब कि उन्हें पकड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये बिल्कुल ही फर्जी मूवी की तरह है, लेकिन यहाँ कैच ये है कि नकली पैसे बनाकर असली पैसे उठा लो और नकली पैसों को ओरिजिनल मनी के साथ पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा। वाड़ी बंदर स्टेशन से कुछ टाइम पहले जब ट्रेन स्लो पड़ जाती है तब वो दोनों उस पर चढ़ जाते हैं और 6 मिनट में असली स्टैम्प पेपर को नकली स्टैम्प पेपर से बदलकर वो वाड़ी बंदर स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने से पहले कूद जाते हैं और तेलगी का ये प्लान काम कर जाता है। लेकिन जब वो मार्केट में इसे बेचने निकलते हैं तब लॉयर उनसे सिर्फ 5 या 10 स्टैम्प पेपर ही खरीदता है, क्योंकि लॉयर का काम उतने स्टैम्प पेपर से हो जाता था। उन्होंने स्टैम्प पेपर चोरी करके अच्छा खासा स्टॉक तो जमा कर लिया होता है, मगर जब बेचने की बारी आती है तो वो कुछ ज्यादा बेच ही नहीं पा रहे थे। तेलगी और कौशल का प्रॉफिट सारी चीजें काट कर भी सिर्फ 35,000 हो रहा था, जो कि वो दोनों आधा आधा कर लेते हैं। मगर तेलगी यहाँ रुकने वाला नहीं था, वो बहुत बड़ी अमाउंट में स्टैम्प पेपर बेचना चाहता था, तभी उसका 1% वाला ड्रीम 70-80 करोड़ कमाने का पूरा हो सकता था। कौशल उसे चीयर अप करने के लिए एक बार में ले जाता है, जहां वो एक पार्ट डांसर को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसे देखता ही रह जाता है। अगले दिन उसके घर पर उसकी बेटी दिया की बर्थडे पार्टी होती है, जहां उसकी माँ और उसका भाई आए हुए थे। तेलगी का भाई उसके साथ काम करने की बात करता है, लेकिन तेलगी उसकी बात टाल देता है और वहां से चला जाता है। फिर तेलगी और कौशल एक बड़े कॉर्पोरेट लॉ फर्म में जाते हैं, जहां उन्हें एक बड़ा ऑर्डर तो मिलता है, लेकिन रूल्स और प्रोटोकॉल के मुताबिक वो कंपनी सिर्फ एक लाइसेंस वेंडर से ही स्टैम्प पेपर खरीद सकती थी, जो कि कस्टम ऑफिस से ऑथराइज्ड हो। तेलगी एक आदमी से मिलता है जो कि कस्टम ऑफिस में काम करता था और उसे स्टैम्प पेपर वेंडर लाइसेंस लेने की पूरी प्रोसेस समझाता है, जो कि बहुत लेंथी थी और यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चल सकता था। जैसा अभी तक तेलगी चला रहा था वो यहाँ नहीं चल सकता था। ऐसे ही एक दिन रात को उनकी प्रिंटिंग प्रेस ऑफिस में पुलिस की रेड पड़ती है, जो कि दारू के लिए होती है क्योंकि उस एरिया में अक्सर ऐसा बिजनेस होता रहता है। लेकिन यहाँ डर जाता है क्योंकि वो लोगों ने तब तो वहाँ स्टैम्प पेपर छुपा लिए थे, मगर वो हर बार बच नहीं सकते। इसके सॉल्यूशन के लिए वो एक दरगाह में पैसे डोनेट करने का ट्राई करता है, ये सोचकर कि मौलवी साहब उसे पुलिस से बचा लेंगे। लेकिन मौलवी साहब उससे कहते हैं कि तुम डायरेक्ट पुलिस से ही दोस्ती क्यों नहीं कर लेते, फिर तुम्हें कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात तेलगी समझ जाता है और पुलिस के साथ एक डील फाइनल करता है, जहां वो पुलिस के फंड में पैसे डोनेट करेगा और पुलिस वो पैसे दरगाह रिपेयर करने के लिए डोनेट करेगी। इससे वहां के एरिया में पुलिस की छवि बेहतर हो जाएगी और तेलगी को भी पुलिस वाले परेशान नहीं करेंगे। यहां तेलगी की पहचान बढ़ रही होती है और कौशल को कहीं ना कहीं ये बात पसंद नहीं आ रही होती है। पुलिस से पूछने पर तेलगी को एक MLA तुकाराम के बारे में पता चलता है, जो कि उसके स्टैम्प पेपर वेंडर लाइसेंस लेने में हेल्प कर सकता था। तेलगी ने तुकाराम के NGO में काफी पैसे डोनेट किए, जिससे वो तुकाराम से मिल पाए और तुकाराम को भी अच्छे पैसे दिए ताकि वो उसे लाइसेंस दिलवा सके। लेकिन यहां भी उसकी
कोई हेल्प नहीं हो पाती, क्योंकि ओल्ड कस्टम ऑफिस का ऑफिसर कहता है कि पहले से ही 1500 एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसमें से 800 तो खुद तुकाराम के है, मतलब कि उनके पार्टी के मेंबर्स के। और वहीं स्टैम्प पेपर बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। अब इतने जुगाड़ लगाने के बाद भी तेलगी को लाइसेंस नहीं मिल पाता। इस बात से कौशल उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि तेलगी ने ऑलरेडी उन दोनों के पैसे खर्च कर दिए थे और नाम भी सिर्फ तेलगी का हो रहा था और कौशल को तो कोई जान भी नहीं रहा था। इस बात से तेलगी और कौशल का झगड़ा हो जाता है और कौशल तेलगी को बहुत मारता है। तेलगी भी कौशल को खरी खोटी सुनाता है कि वो यहाँ पर बस उसके पैसे खा रहा है बिना कुछ काम किए। सारा आइडिया उसका है, सारा प्लान उसका है, सारा एग्जीक्यूशन उसका है, और कौशल का स्टेटस इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि वो बेवकूफ है। ये बात कौशल को पसंद नहीं आती और वो वहां से चला जाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा। हम जल्दी इसके अगले पार्ट्स को भी लाएंगे, तब तक आप हमारे दूसरे फाइनेंशियल वीडियोस को ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।